सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 28 जून है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, नए नरमे के ऊपर। अमेरिका से एक खबर आ रही है जो कि हमारे लिए अच्छी है, हम किसानों के लिए अच्छी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। और थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे चना, ग्वार, गेहूँ और सोयाबीन के ऊपर। तो आप जितने भी साथी जुड़े हो, आप सबसे निवेदन की भाई वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने जो है चर्चा साथियों शुरू कर सकें। नए नरमे की बिजाई के ऊपर और नए नरमे की जो अमेरिका के अंदर स्थिति बन रही है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी खबर एक आ रही है हमारे लिए। हालांकि अमेरिका के लिए तो वो खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर है, उसके ऊपर अपने आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, आज ठीक माहौल सरसों के अंदर फिर रहा है। शाम होते होते थोड़ा सा जो है सरसों के अंदर गिरावट दर्ज की गई है, उसका क्या कारण था उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में सरसों के बाजार के अंदर तरह तरह की जो अफवाह चल रही है, अभी आज ही मैं शाम को भी देख रहा था, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि उससे हमें बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह की अफवाह जो है बाजारों के अंदर अभी सरसों के लिए चल रही है। साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं, भाई खोत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज वीडियो को शेयर करते हैं। रमेश सूरज जी आपका भी धन्यवाद, जो जो भाई शेयर करते जाएंगे नाम बोलता जाऊंगा साथ साथ। और आपसे निवेदन की भाई सारे साथी एक एक बटन दबाते जाना, वीडियो को आगे बढ़ाते जाना, ताकि जो है वीडियो और भाइयों तक भी पहुंच जाए। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों नए नरमे के ऊपर। देखिए, अमेरिका से आज एक शाम को खबर निकलकर सामने आई है, हालांकि श्रवण पुनिया जी धन्यवाद आपका भी। देखिए, आज शाम को एक खबर निकल के सामने, हालांकि कल दोपहर को भी ये खबर जो है एक चैनल ने डाली थी। उनका ये कहना था कि अमेरिका के अंदर नरमे की बिजाई जो है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जो नया नरमा है, जो आने वाला सीजन है, उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो काफ़ी, उसकी बिजाई जो है काफ़ी प्रभावित हुई है। पहले बिजाई हुई, मौसम ने वहाँ साथ नहीं दिया, उसके बाद अब जो फसल की स्थिति है, उस फसल की स्थिति ये कि 40% फसल जो है, 100 में से 40% फसल है वो एक थर्ड लेवल की है, एक तीसरे लेवल की। श्री भगवान जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। तो एक जो है एक 40% का जो एक रेशो है, जो एक जो है वो वहां पे, वहां का जो लोकल सर्वे है उसमें कहा गया है कि 40 से लेके 42% तक जो वहां की फसल है उसकी स्थिति खराब है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग अभी डर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के कुछ क्षेत्र के अंदर जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है या व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह से वहां की जो जो स्थिति है वो भी जो है खराब 40% फसल की बताई जा रही है। पीछे बस 25% फसल एवरेज है और जो 30% फसल है उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जो ये एवरेज फसल है इसका परसेंटेज भी पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ा है। रामचंद्र जी शुक्रिया आपका, विनोद जी धन्यवाद। तो सबसे एक ये एक अहम खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो नए नरमे के ऊपर एक उसका शिकंजा, जो नरमे की जो फसल होती है उसके ऊपर उसका एक जो है शिकंजा रहता है। लेकिन अब अगर ये खबर वहां से निकल के सामने आ रही है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है ठीक एक माहौल क्रिएट कर सकती है जो आने वाली हमारी नई नरमे की फसल है उसके अंदर। आज नरमे के भाव की बात करें, थोड़ा सा आज फिर सुधार हुआ है, कल भी थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन ये 100-200 रुपए का सुधार है। आज हमें ये कम लगता है, जब सीजन में 200 रुपए क्विंटल के बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं कि 200-300 रुपए बढ़ा है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग 14,500 के भाव देख चुके हैं तो हमें एक बार ये लगता है कि 100-200 की बढ़ोतरी जो है नरमे के अंदर वो की बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये तो बात ही साथ ही नरमे की। अब बात करते हैं सरसों की। जितने भी भाई जुड़े हो भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अनूप जी बिश्नोई साहब शुक्रिया आपने वीडियो को आगे बढ़ाया। देखिए, सरसों के अंदर आज मैं सुबह से देख रहा था कुछ चैनल, अब मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसका रीजन ये है कि अपने को कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है। कुछ चैनल ये बार बार कह रहे हैं कि, कुछ चैनल पहले भी 12,000 का 13,000 का टारगेट दे रहे थे, अब जैसे ही दो दिन में भाव 300-400 रुपए बढ़े हैं तो उन लोगों ने फिर जो वो रागनी गानी शुरू कर दी है कि सरसों अब बिकेगी 9,000, सरसों जाएगी 11,000 पार। तो उन अफवाहों से साथियों हमें बच के रहना है, कारोबार अपने विवेक से अपनी समझ से करना है। ऐसे चैनल को आप लोग एक एक कमेंट करके जरूर बोला करो कि 12,000 का उनके पास बेस क्या है, उनके पास सबूत क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 12,000 वाला सरसों के अंदर साथियों अभी कोई भी सीन नहीं, का ढिल्लों साहब धन्यवाद आपका भी, तो ऐसा अभी कोई भी सीन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ऐसे चैनलों से साथियों अपने को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने को ऐसे चैनलों से थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
एक बड़ी हेडलाइन डाल के ये बोल देना कि सरसों जाएगी 12,000 पार, तो कई बार उसके अंदर किसान जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पुनः कहूंगा कि मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल हैं जो एक फेक न्यूज चला रहे हैं बार बार। वो पहले नरमे के लिए फेक न्यूज चला रहे थे, 25,000 वाली, 30,000 वाली, 20,000 वाली, फिर जब गेहूं का भाव आया तो गेहूं को 4,000-4,500 वो बेचने लग गए। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा जो है सावधान साथियों रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज सरसों के बाजार की। भरतपुर 30 रुपए सुधार, जयपुर लगभग 100 से 125 रुपए सुधार, सलोनी ने सुधार किया लेकिन सलोनी ने शाम होते होते भाव को 50 रुपए डाउन किया। आम मंडियों के अंदर सरसों 100 से 150 रुपए तेज, जैसा कि मैंने आपको रविवार को भी बताया था और कल भी निवेदन किया था कि सरसों जो है अब 100-150 रुपए, 200 रुपए आम मंडियों के अंदर तेज जो है बिकेगी। तो एक अच्छा सुधार सरसों के अंदर, रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक जयपुर जो है अगर 7250 तक नहीं जाता, वहां का लेवल छोड़ के आया 7250 या फिर 7225 रुपए का लेवल जयपुर ने छोड़ा है, तो उससे ऊपर जब तक नहीं जाती अपने उसको एक तेजी नहीं बोल सकते, रिकवरी कह सकते हैं, रिकवरी का दौर जारी है। हालांकि आज शाम होते होते थोड़ा सा बाजारों के अंदर सुस्ती देखने को मिली। उसका मेन रीजन ये था साथियों कि आज आवकें काफी बड़ी हैं। अमृतपाल सिंह जी धन्यवाद, आपका भी वीडियो को आपने शेयर किया है। उसकी जो है उसका मेन रीजन यही है कि आवकें जो है आज 4.25 लाख तक जो है पहुंच गई। देखिए, जिन किसान भाइयों के सर पे अगली फसल खड़ी है, हम खुद किसान लोग हैं, हमें पता है इस चीज का, क्योंकि किसानों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, उनको अगली फसल के लिए डीजल, खाद, बीज सब सिस्टम जो है चाहिए होता है। तो अभी मानसून से पहले की जो बरसात हुई है, प्री रेनिंग हुई है, उससे भी जो है ग्वार के बीजान का काफी एक माहौल बढ़िया चल रहा है। मूंग के लिए भी लोग जो है खेत तैयार कर रहे हैं, तो सारी तरह का संसाधन किसान को चाहिए होता है। तो कुछ साथी जिनका टारगेट 6,500 रुपए था, वो 6,500 अब भाव उनको मिलने लगा है और वो सरसों को निकालने लगे हैं। खैर, राजमान जी बताएंगे चने के बारे में भी, धन्यवाद आपका शेयर करने के लिए। तो खैर साथियों, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, 30 से 50 रुपए दोपहर को, तो 100 रुपए 125 रुपए, कुछ मंडियां 200 रुपए से भी ऊपर तेजी में थी, लेकिन शाम होते हुए कुछ एक मंडियों के अंदर 50 रुपए का एक डाउन आया है। मैंने रविवार का जो लाइव अपने किया था, जो संडे स्पेशल होता है, उसके अंदर बड़े विस्तार से बताया था कि सरसों के भाव एक तरफा नहीं चलेंगे। कारण साफ है, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सरसों की अवेलेबिलिटी नहीं है, सरसों बहुत कम है। इसको, इस माल को किसान की जेब से निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि सरसों 100 रुपए आज बढ़ी है, 100 कल बढ़ेगी, 100 परसों बढ़ेगी, 100 अगले दिन बढ़ेगी, ऐसे नहीं होगा। अगर सरसों 3 दिन में 300 बढ़ेगी, जैसा कि अभी 400 रुपए बढ़ी है, बड़े प्लांट लगभग 350-350 रुपए बढ़े हैं, कुछ प्लांट 400 रुपए बढ़े हैं, तो फिर एक ब्रेक आपको देखना पड़ेगा। वही सेम नरमे वाली सिचुएशन है। तो मेरा, रंजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब यह कि बाजार एक लय में नहीं चलेगा, ये एक देखने वाली चीज है। इसके अंदर एक ब्रेक, एक दो ब्रेक जो है आपको यहाँ पे जो है मिलते रहेंगे साथियों, और आपको एक जो एक जैसे एक तेजी के बाद एक छोटा सा ठहराव आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार पॉजिटिव है, सरसों की जड़ में मंदा नहीं है, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। 6,500 वाले जो भाई थे उनको भाव मिल गया, वो निकाल भी रहे माल, जो अब 7,000 वाले साथी हैं उनका भी नंबर जल्दी आ जाएगा, उलाम में सबके उतर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात साथियों सरसों के अंदर नहीं है। आज दोपहर को मैंने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अभी लिंक भी शेयर किया विनोद जी ने, उसके ऊपर भी एक अपडेट डाली थी सरसों के बारे में, वो भी सारे आप देख सकते हो, वहां भी सारे साथी जुड़ना। तो सरसों की जड़ में मंदा नहीं है, सरसों है नहीं, और सबसे बड़ी बात अभी जो खाद्य तेल हैं उनके भावों के अंदर अच्छा सुधार आने लगा है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो दूसरे जो जो इससे रिलेटेड जो तेल हैं, चाहे वो पाम ऑयल है या दूसरी चीजें हैं, उनके अंदर जो है धीरे 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 सुधार आने लगा है। तो अगर तेल के भाव बढ़ेंगे तो तेल बढ़ेगा किससे, और सरसों के तेल की खपत सबसे ज्यादा भारत के अंदर होती है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई भी दूसरा संसाधन नहीं है, रोज रोज आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। बाकी साथियों सौदा आपको अपने विवेक से करना है। सोयाबीन के बाजार के अंदर आज भी बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन सुधार कह सकते हो 25-30 रुपए का सुधार सोयाबीन के अंदर भी जो है देखने को साथियों मिला है। चने के बारे में मानसा पूछ रहे थे, चने के बारे में देखिए, चने के बारे में अब यहां से एक बार तेजी इस सप्ताह में तो खास करके मुझे बनती नहीं लग रही है। पिछले सप्ताह में जो है एक तेजी हमें बनती हुई हमने देखी थी, लेकिन अब अगर बात करें तो यहां से इस सप्ताह मान साहब 4 दिन खास करके चने के अंदर आपको यहां से तेजी जो है देखने को
बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी, कोई 20-30 रुपए का अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर आज थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, एक पॉजिटिव फंडामेंटल आप कह सकते हो, लेकिन ग्वार के बारे में अब प्रेडिक्ट करना, अब अंदाजा लगाना वो जो है एक गलत धारणा है, क्योंकि अभी मानसून सिर के ऊपर खड़ा है। मानसून जैसे जैसे आएगा उससे कितना फर्क रहेगा, क्या मतलब कि माहौल बनता जाएगा आगे आगे, कितनी की बीजान होगी ग्वार की, जब तक बीजान की प्रेडिक्शन नहीं होगी तब तक अपने रेट की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ग्वार के बारे में रमेश जी भी पूछ रहे हैं, शेखावत साहब ग्वार के बारे में यही है कि अब यही जो भाव है इधर ही कहीं घूमते रहेंगे, इससे ऊपर बढ़ने की एक बार मेरे ख्याल से, क्योंकि जो ऊपर का एरिया है रतेली एरिया वहां पर अक्टूबर तक भी बीजान लोग करते रहते हैं शायद, तो उससे ज्यादा उससे पहले आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उस चीज का बहुत फर्क रहेगा। बिल्कुल बेनीवाल जी, सरकारी खरीद अगर चने की होती तो चने के भाव कुछ और ही होते आज, मूंग के भाव भी कुछ और ही होते, खैर वो एक सरकारी खरीद एमएसपी के ऊपर सरकार नहीं करती, वो एक गलत धारणा है। सरकारों की सरकार चाहे किसी की भी हो तो वो लूट तंत्र जो है किसानों के साथ जारी है। खैर बात करते हैं गेहूं की, काफी साथी पूछ रहे हैं गेहूं के बारे में भी, रविवार को बताया था कि इस सप्ताह कोई तेजी नहीं लग रही है गेहूं के अंदर, लेकिन अच्छी चीज ये है कि गेहूं के अंदर एक ठहराव है, एक स्टेबिलिटी है, गेहूं के भाव के अंदर एक ब्रेक है और वही है वो लगभग 1900 से लेके 2050 के दायरे के अंदर गेहूं जो है पिछले दो सप्ताह से घूम रहा है। खबरें निकल के आ रही है कि निर्यात जारी है, लेकिन अब पता नहीं वो निर्यात कौन कर रहा है, सरकार ने तो वो निर्यात बैन कर रखा है, अगर सरकार ने बैन किया तो वो निर्यात कर कौन रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्ट है, वो भी एक बड़ी चीज देखने वाली है। खैर अगर गेहूं के अंदर निर्यात शुरू हो जाए अच्छे से प्रॉपर तरीके से, हो सकता है आने वाले महीनों के अंदर सरकार कर दे भी, जब हमारा जो कोटा है वो देश का पूरा हो जाए उसके बाद अगर सरकार निर्यात शुरू कर दे तो कुछ थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है, अन्यथा वो जो नवंबर वाली तेजी होती है वो आप सबको पता है, वो 200-250 रुपए 300 रुपए गेहूं जो उन दिनों में जाके तेज होता है, तो वही तेजी है, सिवाय उसके मेरे को लगता नहीं कि उससे पहले कोई तेजी यहां पे बहुत बड़ी बनती हुई नजर आए। सोयाबीन के बारे में छिंदे साहब मैंने ऊपर बता दिया, आप दोबारा सुन लें या फिर YouTube चैनल किसान राजा हिर के ऊपर इसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं वहां आप देख लें, और YouTube के जितने भी साथी हैं आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी थोड़ा सा फ्री होकर, थोड़ा काम में बिजी, अभी खेत के अंदर भी काफी काम है साथियों, तो थोड़ा सा कैसे फ्री हो गया फिर अपने YouTube का जो दोपहर वाला लाइव है उसको दोबारा जो है शुरू साथियों कर देंगे। सरसों के भाव की बात करें, सादूल शहर 6361, रावला 6570, रायसनगर 6410, भरतपुर 6720, जयपुर 7150, दिल्ली 6850, गंगानगर 6500, पदमपुर 6490, हनुमानगढ़ 6450, खेरली 6800, नोहर 6700, विजयनगर 6280, सिरसा 6580, हिसार 6550 और गोलूवाला के अंदर भी, और गोलूवाला और विजयनगर दोनों मंडियां डाउन चल रही हैं, गोलूवाला के अंदर भी 6270 रुपए जो है भाव है, और गोलूवाला मंडी के अंदर तो ये बताया जा रहा है कि वहां पे खरीदार नहीं है, खरीदार भी बहुत कम है वहां पे गोलूवाला मंडी के अंदर, खैर पता नहीं क्या रीजन रहा होगा वहां का, वो एक अलग इशू है। और विजयनगर के अंदर भी 6280 यहां भी भाव जो है डाउन है। अब एक चीज इसके अंदर और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की सरसों थी, जैसे मान लीजिए 42 लैब की, 42 लैब की, 43 लैब की, वो सरसों काफी हद तक जो है निकल चुकी है। अभी की जो लैब आ रही है, एक तो क्योंकि मौसम के अंदर काफी चेंज आ गया, उसके बाद अब जो लैब आ रही है उस वो लैब जो है 38 से लेके 40 के बीच की लैब ज्यादा है, तो उस चीज का भी 250 रुपए का फर्क आप मान के चलिए, 250 रुपए का फर्क दो पॉइंट का रह जाता है लैब का, और तेल की क्वांटिटी जो थी जिन भाइयों ने आज तक सरसों रख के रखी है थोड़ा बहुत उस चीज का फर्क पड़ता है, थोड़ा सा आपका अब जब आप तेल की मात्रा उसमें निकलवाओगे तो थोड़ा बहुत उसके अंदर फर्क रहता है, क्योंकि काफी दिन से सरसों पड़ी हुई है, तो वो चीजें भी मैटर कर रही हैं इसके अंदर, वो भी आप 100-150 रुपए का 200 रुपए का फर्क जो है साथियों मान सकते हो। तो साथियों मिलेंगे कल दोपहर को YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और कल शाम को यहां पे मिलेंगे लाइव, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।